आंखों में दर्द होना या फिर आंखों में पेन होना, सर में दर्द होना आज एक कॉमन समस्या है। हर तीसरे आदमी को बात करेंगे तो भैया मेरे आंख में दर्द हो रहा है, मेरे सर में भी दर्द होता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स आजकल हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे कारणों के बारे में जो बताएंगे कि 10 वो कौन से मेन कारण है जिसकी वजह से आपकी आंखों में दर्द होता है एक्चुअली। ठीक है, तो 10 कारण बहुत ही जरूरी है और उनके लक्षण क्या है, मतलब कैसे पता करें कि वाकई में सर दर्द कॉमन है या फिर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सर दर्द होता है आपको एक्चुअली। ठीक है, सो हेलो ऑल, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आई केयर एक्सपर्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में चैनल का मेंबरशिप है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 10 वो कौन से कारण है जो कि आपकी आंखों में दर्द होता है या फिर सर दर्द होता है और उसके लक्षण क्या है। बाद में साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि घर में ऐसा क्या चीजें हैं जिन्हें आप करने की वजह से जो आपको आंखों का दर्द है, सर का दर्द है, थोड़ी देर के लिए कम हो जाए। तो जो सबसे पहला और मेन कारण देखा गया है कि आंखों में दर्द क्यों होता है, तो बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि आंखें लाल हो जाती हैं जिसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ठीक है, या फिर आंखों में स्वेलिंग है। अगर किसी की आंख में सूजन है या फिर आंखें लाल हैं आपकी जिसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, तो मेन रीजन जो देखा गया है कि यह एक रीजन हो सकता है एक्चुअली। दूसरा रीजन है आंखों में किसी भी तरह का कोई पदार्थ चला जाना, कोई भी चीज आंख में अगर चली गई है, गड़न महसूस हो रहा है, चुभन चुभन महसूस हो रही है, तो भी एक कारण है आपको आंखों में दर्द होने का। तीसरा कारण है यहाँ पे बिल्ली जिसको हम लोग स्टाई बोलते हैं, अगर वो किसी तरह का स्टाई है, गुलेरी जिसको आप बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी आंखों में पेन हो सकता है। अगर आपको माइग्रेन है तो भी आंखों में दर्द हो सकता है, साइनस है तो भी आंखों में दर्द हो सकता है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है आंख में, तो भी आपको दर्द हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह की आपने सर्जरी करा रखी है आंखों का, तो भी आपकी आंखों में दर्द हो सकता है। साथ में ग्लूकोमा, ग्लूकोमा मतलब आई का प्रेशर बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी एक्चुअली आंखों में दर्द होता है। तो ये 10 ऐसे कारण थे छोटे छोटे जिनकी वजह से आंखों में दर्द होना आम बात हो गई है एक्चुअली। ठीक है, और एक और रीजन भूल गया, वो है आपका तनाव। बहुत ज़्यादा अगर आपने कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी यूज कर लिया है तो आंखों में उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। ठीक है, तो वो भी एक मेन कारण है एक्चुअली। ओके, और किसी को मान लीजिए आई पावर है, चश्मे का पावर है और वो चश्मा नहीं लगाया है, रोशनी कमजोर है, तो एक रीजन वो भी है कि हाँ आंखों में दर्द हो सकता है एक्चुअली। ठीक है, आंशिक रूप से या पूर्णतः, मतलब पूरी तरह से दर्द हो सकता है या थोड़ा थोड़ा दर्द हो सकता है। तो अगर किसी को आई पावर है, चश्मा नहीं लगा रहा है, तो वो भी एक कारण है आपको आंख में दर्द होने का एक्चुअली। ओके, अब जानते हैं लक्षण क्या है, कैसे पता करें कि ये तो रीजन थे, मतलब ये तो अभी तक आपको कारण पता चला कि इतने सारे कारण है आंखों में दर्द होने का, अब इनका मतलब लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है एक्चुअली। ठीक है, अगर हम आंख दर्द के लक्षणों की बात करें तो कहाँ कहाँ पे दर्द हो सकता है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आंख में दर्द डायरेक्टली होता है पलक पे, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दर्द होता है एक्चुअली, बहुत सारे लोगों को धूप में जाने पे दर्द होता है, धूप में गया तो बहुत ज़्यादा दर्द हो गया एक्चुअली। अगर आप कोई लाइट देख रहे हैं तो लाइट के चारों तरफ जो आपको एक अंडाकार आकृति नजर आती है उसकी वजह से भी मतलब दर्द होता है, मतलब वो भी एक लक्षण है उसका आंखों में दर्द होने का एक्चुअली। ठीक है, और आँख को घुमाने में भी दर्द होता है, और आँख नहीं घूमती है तो भी दर्द होता है, मतलब आँख नहीं घूम रही है तो भी दर्द होता है। और आँखों के दर्द के साथ साथ तेज सिर दर्द, मतलब आंख और सर दोनों दर्द करता है, तो इस तरह का भी आंख दर्द देखा गया है। बाद में अगर कोई आप लाइट देख रहे हैं तो लाइट के नीचे एक धारियां दिखाई देना, उसी तरह का धारी दिखाई दे रही है, तो वो भी एक सिम्टम्स है आपकी आंखों में दर्द का एक्चुअली।